हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिम्पर्फ। मैं आज आपके सामने हाफ के जी ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस रेसिपी में आप देखने वाले हैं कि मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल घर पे चॉकलेट केक बनाने के लिए किया है। और यहाँ मैंने डिस्प्ले बोर्ड में सारे इंग्रेडिएंट्स को शो कर दिया है कुछ इस तरह से। सबसे पहले आज मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है दोस्तों, और स्पॉन्ज को मैंने कढ़ाई में हमेशा की तरह बेक करके ले लिया है और इसे ढक करके ठंडा होने दिया था। तो ये मेरा देखिए कितना शाइनी और सॉफ्ट जालीदार चॉकलेट स्पॉन्ज घर पे तैयार हुई है, और वो भी कढ़ाई में। तो इस एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखिए। और मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल इस एगलेस चॉकलेट केक को बनाने के लिए किया है, चॉकलेट स्पॉन्ज को बनाने के लिए, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। इसे हमें 3 लेयर में हमेशा की तरह कट कर लेना है। आप अगर इसकी ज़्यादा लेयरिंग करना चाहते हैं तो और भी पतला इसे काट ले। मैंने हमेशा की तरह आज 3 लेयर में ही इसे कट किया है। और सबसे पहले केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम मैं अप्लाई करूंगी। आज मैंने क्रीम में कोई फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी तरह का अरोमा नहीं लिया है, और इसे सेंटर पॉइंट पे मैंने सेट कर दिया है। और बिल्कुल ही प्लेन वाटर से मैं सोक कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सोक करने के बाद क्रीम अप्लाई कर ली है। और ये देखिए, मैंने जो क्रीम आपको स्क्रीन पे शो किया है वही वाली मैं इसमें भी ले रही हूँ। तो हमेशा की तरह मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी हम खाने की चीज़ बनाते हैं घर पे या किसी को भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो प्रीमियम क्वालिटी की होनी चाहिए। और ये हर्शिज़ का मैंने चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घर पे चॉकलेट गनाश बना सकते हैं। तो जब हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा आने लगता है, टाइमिंग कम हो जाता है, तो दो ही रास्ता होता है, या तो हम गनाश बना के एक बार में फ्रिज में स्टोर कर लें, और अदरवाइज़ आप इसमें इस तरह की चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करिए। यहाँ मैंने क्या किया है कि कुछ चॉकलेट चिप्स भी ले लिया है, और टॉप वाले लेयर को मैंने पलट करके बीच में सेट कर लिया है। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा क्रीम था बाहर, उसे मैंने अंदर की तरफ दे दिया है, ताकि ये जो भी गैप दिख रहा था हमारा वो क्रीम से फिल हो जाए और हमारी केक को एक अच्छी हाइट मिले। तो इसी तरह से हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए अपने केक को रेडी करना है। और साथ ही साथ चॉकलेट में क्रम्स थोड़ा सा एयर के कांटेक्ट में आने से निकलता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रीम से इसे कवर करते जाएंगे किनारों को भी। और मैंने सेम प्रोसेस से अपने केक की फ्रॉस्टिंग कर ली है। यहाँ मैंने तीनों लेयर को सेट कर लिया है, और अब जो टॉप पे मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ, और साथ ही साथ किनारों में भी मैं क्रीम से कोटिंग करती जा रही हूँ, ताकि एयर के कांटेक्ट में हमारा स्पॉन्ज बिल्कुल नहीं आए। ऐसे तो हमारी स्पॉन्ज काफ़ी सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, अगर इसे हम पानी से नहीं भी सोक करते दोस्तों तो ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं थी, और क्रीम के साथ काफ़ी मज़ेदार लगती। लेकिन फिर भी मैंने वाटर से सोक कर लिया है, क्योंकि आज ये मेरा केक फिर से काफ़ी दूर से ये ऑर्डर आया है, तो लगभग 80 से 85 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है आज का ये केक। इसलिए मुझे इसकी परफेक्ट जो रेसिपी है उसको फॉलो करते हुए मैंने इसे तैयार किया है, क्योंकि थोड़ा सा भी मैं अगर 19 पीस करूँगी तो वहाँ तक ये सही सलामत नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैंने प्लास्टिक कॉम से कॉम्बिंग कर ली है, और ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा क्रीम दिख रहा है उसे मैं पैलेट नाइफ से कट कर लूँगी। सबसे पहले तो हमें क्रीम की एक अच्छी सी लेयर ऊपर में दे देना है। और आज का ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है, तो टॉप में हमारा अगर बहुत ही शार्प एजेस नहीं भी तैयार होता है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऊपर में मैं कुछ फ्लावर तैयार करने वाली हूँ। ये 1 mm नोज़ल को मैंने फिट कर लिया है पाइपिंग बैग में, और 2 तरह की क्रीम मैंने ली है, 2 कलर की, एक पिंक है, लाइट पिंक है, और दूसरा वाइट कलर का। तो इस तरह से हमें ट्विस्ट करते जाना है पाइपिंग बैग को, और ये हमारा इस तरह का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इसी तरह से दाएं बाएं से ट्विस्ट करना है हल्का हल्का, और इसी तरह से हमें फ्लावर दे देने के बाद क्या करना है, जो बाकी का हमारा हिस्सा है उसे हम चॉकलेट से कवर कर लेंगे। या तो आप इसमें ग्रेटेड चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी ड्रिपिंग कर लें। तो आज के इस वीडियो में मैंने एक गलती क्या की, मैंने ड्रिपिंग बना करके रखी हुई थी, पर मेरे दिमाग से एकदम स्किप कर गया, मैं भूल गई कि मुझे ड्रिपिंग भी करनी थी, और पहले मैंने इस तरह का यहाँ डिज़ाइन दे दिया। कोई नहीं, मैं बाद में
डिज़ाइन, ड्रिपिंग वाली डिज़ाइन बाद में मैं कवर कर लूँगी। और यहाँ सेम नोज़ल से मैं बॉर्डर डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ। तो है ना दोस्तों, आसान कोई भी डिज़ाइन का केक घर पर तैयार करना। आप भी मेरे तरह अगर होम बेकर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और अब मैं क्या करूँगी, जो चॉकलेट गनाश हमारा रखा हुआ था उसे मैंने एक्चुअली इसे ठंडा होने के लिए दिया था। जब मैंने अप्लाई करने की कोशिश की तो ये काफ़ी गर्म था। और अब क्या हुआ कि मैं भूल ही गई कि मुझे ड्रिपिंग भी करना था। और यहाँ मैंने ग्रेटेड चॉकलेट को ऊपर से स्प्रेड कर दिया है। आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या जैसा कस्टमाइज आपके पास आता है, ऑर्डर आता है, उस हिसाब से आप चॉकलेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरह से स्प्रेड कर लिया है ग्रेटेड चॉकलेट को। और अब मैंने जो ठंडा होने के लिए ड्रिपिंग छोड़ा था चॉकलेट गनाश को, उससे मैं ड्रिपिंग अपनी तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये केक बिल्कुल ही रेडी है, लगभग रेडी है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ड्रीम पफ में अपलोड होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये देखिए, यहाँ मैंने किनारों से इस तरह से ड्रिपिंग, जहाँ जहाँ मुझे खाली जगह मिला मैंने वहाँ से ड्रिपिंग ले ली है। और कुछ खास फर्क तो नहीं लग रहा है, बस थोड़ी सी गलती की वजह से मैंने ड्रिपिंग वाले काम को बाद में किया है। पर कोई नहीं, डिज़ाइन हमारा सेम टू सेम तैयार हुआ है। तो अगर आप हर रोज़ कुछ नया देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके पास हर रोज़ आती रहूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देख